सीएम भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया, पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, वहीं पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनने के साथ ही एसआईटी गठित की, अब तक पेपर लीक करने वाले 108 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पिछली सरकार के समय 19 में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमने 70,000 भर्ती की घोषणा की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम इससे ज्यादा भर्तियां करेंगे। जितने भी पद खाली उन सभी को भरने का काम सरकार करेगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि कुछ लोग हिंदू की परिभाषा बता रहे थे, मैंने कहना चाहता हूं कि हिंदू वो है जो पेड़ पहाड़ और नदियों की भी पूजा करते हैं, अगर उसका पांव चींटी पर भी पड़ जाता है तो उसकी आह निकल जाती है। पीएम मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने की शुरुआत की थी, हम मिलकर के आगे बढ़ाना है। सीएम भजन लाल शर्मा करीब 1 बजे राजपुरोहित छात्रावास पहुंचे, उद्घाटन कार्यक्रम के बाद समाज के लोगों से बात की, हॉस्टल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, इसके बाद हॉस्टल परिसर में पौधे लगाए। बता दें कि राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस का शिलान्यास 2018 में हुआ था। ये भवन करीब 5 साल में बनकर तैयार हुआ। इसमें छात्रों के रहने के लिए 40 कमरों के साथ में डिजिटल क्लासरूम भी है। यहाँ से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले समाज के छात्रों को कोचिंग दी जाएगी। इस छात्रावास में रहकर छात्र कोचिंग की भी सुविधा ले सकेंगे। छात्रावास से ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। ऑनलाइन कोचिंग का लाभ प्रदेश भर में राजपुरोहित समाज के छात्र छात्राएं ले सकेंगे। इसके लिए छात्रों से नॉमिनल फीस चार्ज की जाएगी। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, सांसद मंजू शर्मा, आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक प्रशांत शर्मा और जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित मंच पर मौजूद रहे।